हाय दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टॉप 10 मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट्स आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है आपकी बाइक की स्टाइल, लुक, कंफर्ट, विजिबिलिटी, इन सब को इन्हेंस करते हैं। एंड ये प्रोडक्ट जो है आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे अंडर 200 रुपीज़। तो चलिए जानते हैं जल्दी से कौन सी है हमारी टॉप 10 लिस्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है 6 LED फॉग लाइट सेट। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको स्विच जो है वो भी मिल रहा है। एंड दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 169 रुपीज़। एंड इसमें दोस्तों आपको जो सिंगल LED फॉग लाइट है ना वो 10 वॉट की मिलती है, मतलब 10 वॉट मतलब टोटल 20 वॉट का जो है फॉग लाइट है। बट इसका फोकस जो है बहुत ही यार डिसेंट मिल जाता है आपको। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि फॉग लाइट जो है ना एक बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन होता है अगर आप नाइट में राइड कर रहे होते हैं। एंड दोस्तों इसका जो स्पॉट जो फोकस है ना वो ज़्यादा आँखों में भी नहीं लगता, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड आपको अच्छी डिसेंट विजिबिलिटी जो है रोड पर मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। दोस्तों सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो है एंड बार लाइट्स। दोस्तों ये जो मॉडिफिकेशन है नाइट में आपकी बाइक की विजिबिलिटी को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। एंड दोस्तों इसमें दो लाइट मिलती है, वाइट एंड ऑरेंज। वाइट को एज अ DRL, मतलब नाइट में जब आप पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तो उसके साथ में आप वाइट लाइट ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे, आपका रेयर और फ्रंट से भी आपके जो विजिबिलिटी है इंक्रीज रहती है। एंड इसमें जो ऑरेंज लाइट है उसको एज अ इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जब आप इंडिकेट करें तो जो आपके पीछे से जो व्हीकल आ रही हो, बाइक आ रही हो, उसको आपका इंडिकेशन जो है वो प्रॉपरली दिख रही है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है जो आपकी नाइट में विजिबिलिटी को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है LED पार्किंग लाइट बल्ब, जिसको टाइगर आई बल्ब भी बोला जाता है। एंड दोस्तों ये जो लाइट्स हैं दोस्तों आपकी विजिबिलिटी को अगेन इन्हेंस करती हैं, इंक्रीज करती हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो पार्किंग लाइट रॉयल एनफील्ड के साथ में आती है ना वो जो होती है वो नॉर्मल बल्ब्स होते हैं। एंड दोस्तों ये जो LED पायलट लाइट्स होती हैं थोड़ा सा ब्राइट होती हैं एंड आपके जो फ्रंट जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ भी करती हैं और अच्छा लुक भी देती हैं, एस्थेटिक लुक भी बहुत अच्छा आता है। चाहे आपने डे टाइम में ऑन रखो चाहे नाइट टाइम में ऑन रखो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये एक लुक एंड विजिबिलिटी मॉडिफिकेशन इसको कहा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आपकी बाइक को डिसेंट सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड कर देता है, वो है डिस्क ब्रेक लॉक। दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको मालूम है कि चोरियां जो है आजकल बहुत बढ़ गई हैं, खासतौर से रॉयल एनफील्ड की, बिकॉज इसका रीसेल मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैक्सिमम चोर जो हैं कोशिश करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है वो चोरी करें। तो आपकी बाइक को जो है डिसेंट सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करिए, मल्टीपल लॉक जो हैं वो यूज़ करिए। ये एक जस्ट एक ऑप्शन है जो आपको अंडर 200 रुपीज़ जो है ईजिली मिल जाता है। इसके बाद ही बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शन हैं, बट अपनी बाइक पे जो है मल्टीपल लॉक्स जरूर यूज़ करिए। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है रेयर फुटरेस्ट सपोर्ट। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना आपको बहुत ही छोटा है बट बहुत ही यूज़फुल भी है, बिकॉज जैसे कि मालूम है कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं ना उसका एग्जॉस्ट जो है बहुत ही गर्म होता है, तो जो भी पीछे पिलियन बैठते हैं उनका जूते चप्पल जो होते हैं ना वो जलने के चांसेस होते हैं। तो ये एक एज अ सपोर्ट भी काम करता है, एज अ सेफ्टी भी काम करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है दो कलर ऑप्शन में इजीली अवेलेबल है, ब्लैक एंड सिल्वर, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये अंडर 200 जो है आपको ईजिली मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है LED इंडिकेटर बल्ब, जो आपकी बाइक की विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दोस्तों जैसे कि मालूम है कि स्टॉक बल्ब जो है ना उसकी विजिबिलिटी बहुत ही लो होती है, जब आप LED इंडिकेटर्स के लगाते हैं ना बल्ब लगाते हैं तो उसकी विजिबिलिटी नाइट में, डे में, हर टाइम में जो है अच्छी रहती है और ब्राइट रहती है, जिससे कि जब आप टर्न इंडिकेटर देते हैं ना तो आपके रेयर या फ्रंट में जो है उनको टोटली आइडिया होता है कि आप किस तरफ मुड़ रहे हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है रोड पर। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है स्टिकर मॉडिफिकेशन, जो आपकी बाइक को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड दोस्तों एस्थेटिक लुक जो है वो भी सही लगता है अगर आप स्टिकर सही से यूज़ करें तो, बाइक के कलर के हिसाब से। दोस्तों प्रोटेक्ट कैसे करता है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपका टैंक एरिया है, टैंक में आपको मालूम है जब आप कुछ रखते हैं उसके ऊपर तो स्क्रैचेस जो है वो लग जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हल्के हल्के स्क्रैचेस देने जाते हैं। तो अगर आप उस पर स्टिकर यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करता है आपकी बाइक को एंड एस्थेटिक जो है लुक जो है वो भी सही लगता है। एंड दोस्तों जैसे बैटरी एरिया है बहुत ही प्लेन लगता है, आपके पास साइड में एयर फिल्टर है वो एरियाज जो होते हैं वो थोड़ा प्लेन लगते हैं, तो वहाँ अगर आप स्टिकरिंग करते हैं तो एस्थेटिक लुक भी सही लगता है। एंड दोस्तों वो एरिया जो है स्क्रैच थोड़ा सा रेजिस्टेंट टाइप का भी हो जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन जो है आपको अंडर 200 जो है ईजिली पड़ जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है पिलियन हुक, जिसको दोस्तों होल्डर भी कहा जाता है। एंड दोस्तों ये बहुत ही छोटा और नेसेसरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ भी चीज़ कैरी कर रहे हो बाइक में तो आपको मालूम है कि थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं, आपको टैंक पे रखना पड़ता है, नहीं तो हैंडलबार में हैंग करना होता है। अगर ऐसे मॉडिफिकेशन आपके बाइक में होते हैं तो आप इजीली जो है कुछ भी चीज़ रेयर में हैंग कर सकते हैं, एंड आप जो है टैंक के स्क्रैचेस और वो हैंडल में आपको मतलब डिसकम्फर्ट वो फील नहीं होता। तो ये बहुत ही छोटा और नेसेसरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो आपको अंडर 200 जो है आप करवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है लुक को लेके, जो कि है इंडिकेटर ग्रिल्स। दोस्तों जब आप कोई भी ग्रिल लगाते हैं, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे पार्किंग लाइट का ग्रिल होना, तो वो एक थोड़ा बल्की लुक जो है ना बाइक को देते हैं, एंड थोड़ा एस्थेटिकली भी बहुत सही लगते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये अंडर 200 रुपीस है। आप इंडिकेटर के जो हैं वो ग्रिल सेट जो है वो लगा सकते हैं, चाहे आपके पास 500 cc हो, चाहे 350 cc हो, चाहे इलेक्ट्रा हो, चाहे बुलेट हो, स्टैंडर्ड हो, क्लासिक हो, उसमें आप जो है ईजिली जो है ये इंडिकेटर कैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है हैंडल बार क्रॉस बार। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है आपके हैंडल वाइब्रेशन को बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल करता है। एंड दोस्तों जो मिरर जो वाइब्रेट करता है ना, जो हैंडल जब आप 80 प्लस स्पीड पे होते हैं रॉयल एनफील्ड खासतौर से 350 UC इंजन में, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है आपके हैंडल पे आता है। तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्रॉस बार बहुत ही यूज़फुल रहता है। एंड दोस्तों ये 200 रुपये के आसपास ना आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन भी जो है आपको 200 रुपये के आसपास जो है ईजिली पड़ जाता है। आई होप दोस्तों आपको टॉप 10 मॉडिफिकेशन एंड कस्टम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पसंद आए होंगे अंडर 200 रुपीज़, जो आप इजीली बाय कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जिसमें कि आपको 500 अंडर 500 अंडर 1000 रुपीज़ कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बाय करने चाहिए, एंड क्या उसका यूज़ रहता है, कैसे आप उसको बाइक में यूज़ कर सकते हैं, वो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। एंड किस प्राइस रेंज में आपको चाहिए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बाय।